नमस्ते, किन देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सांभर बनाएंगे। सांभर बनाना बहुत ही आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये हमने एक कप तुअर दाल लिया है, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। मैंने इसे आधा घंटे पहले धो करके और पानी में भिगा दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है तो दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। और इसके अंदर डालने के लिए हमने सब्जियों में लिया है एक टमाटर बड़े साइज का, मैंने इसे बड़े टुकड़े में काट लिया है। और एक प्याज लिया है, इसे भी मैंने बड़े टुकड़े में काटा है। बैंगन, एक गाजर, कद्दू जिसे पेठा भी कहते हैं, और थोड़ी सी लौकी और बीन्स, सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। ये सब मैंने बड़े टुकड़े में काट करके और धो करके रख लिया है। चौथाई चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 4 से 5 पिंच हमने हींग लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 3 हमने खड़ी सूखी मिर्च लिया है, और 10 से 12 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, 2 बड़े चम्मच हमने तेल लिया है, हरी धनिया कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच हमने सांभर मसाला लिया है, 2 चम्मच इमली का पेस्ट, मैंने इमली को भिगाकर और उसे अच्छी तरीके से उसका बीज निकालकर छान करके रख लिया है, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हमने काले सरसों के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले हम दाल को पका लेते हैं। तो हमने दाल को पकाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर ये दाल डाल देंगे। ये दाल भीगी हुई है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसे हमें अच्छी तरीके से पकाना है। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे और जिस कटोरे से मैंने दाल लिया है उसी से पानी डालेंगे। 2 कटोरी पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, नमक डालेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, तो 1 चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे। मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है और आज को मैंने मीडियम पर रखा है और 3 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे, या जब तक दाल हमारी गल जाती है तब तक हमें इसे पकाना है। तो जब तक दाल हमारी पक रही है उसके साथ ही हम सांभर का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर तेल डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जीरा और राई डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज डालेंगे, हींग डाल देंगे, लाल मिर्च और करी पत्ता भी डाल देंगे और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पकाना है। सारी सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम इन सारी सब्जियों को डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। 1 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। इसे मैंने हल्का सा भून लिया है और आग को मैंने मीडियम पर रखा है। तो अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इसे मिला देंगे और इसके साथ ही इसमें सांभर मसाला भी डालेंगे। और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। आज को हम धीमा कर देंगे, इससे मसाले हमारे जले ना। और अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इसे मिला देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैंने पहले से दाल में नमक डाला था, तो 1/4 चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे, जिससे सब्जियां हमारी अच्छी तरीके से गल जाएं। और ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, लेकिन नमक डालने से ये जल्दी गल जाती हैं। इसे मिला लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच पानी इसके अंदर हम डालेंगे, मिला लेंगे।
और हम ढक्कन लगाएंगे, सब्जियों को पका लेंगे। हमें याद रखना है कि सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी कच्ची रहनी चाहिए। सब्जी को चेक कर लेते हैं और सब्जी हमारी पक चुकी है, बहुत हल्की सी कच्ची है और इतना हमें रखना है। और आप देख सकते हैं सब्जियों से पानी भी निकल आया है इसमें, सब्जियों में हमारी। तो और ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इधर दाल भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसे हम खोल करके देखेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है, तो दाल को हम सब्जियों के अंदर डाल देंगे। इसे मिला लेंगे और अब इसके अंदर ये इमली का रस डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे। सांभर पतला ही होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है और चेक कर लेना है कि सांभर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से हम उबलने देंगे। सांभर हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा टेक्स्चर आया है और सब्जियाँ भी हमारी ओवर कुक नहीं हुई हैं और पक भी गई हैं, इस तरीके से देखने में बहुत अच्छी लग रही है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हम 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लेते हैं। तो सांभर हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकालते हैं। इसे हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं और हमारा बहुत ही टेस्टी सांभर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे डोसा, इडली या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, ये सभी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप सांभर बनाइए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।